ठीक है। तो असाइनमेंट नंबर 31, अब आएंगे यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 31 को आपने निकाले। क्लासरूम में आने के बाद व्यू ओवर पे जाएंगे, पावर पॉइंट का असाइनमेंट नंबर 31। देखिए यह 31 आ गया आपके पास, 31 पे आपने क्लिक करना है और उस पर राइट क्लिक करके इसको नए टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, ओपन अवर प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर ले 31 की, राइट क्लिक करें उसको डाउनलोड कर ले। फिर क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड द स्लाइड शो इफ यू हैव अ माइक्रोफोन एंड वांट टू प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग नरेशन यू कैन रीड द स्लाइड। आप से क्या करें, अपने स्लाइड शो को रिकॉर्ड करके देखें कि इस स्लाइड पर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर कह रहे हैं कि अगर आपके पास माइक्रोफोन की सहूलत मौजूद है, यानी कि आपके पास माइक मौजूद है, तो आप एक काम करें, साथ में नरेशन भी आप क्या करें, रिकॉर्ड करें। नरेशन का मतलब क्या होता है कि आप नरेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप साथ से स्लाइड में स्पीक कर रहे हैं। तो इससे होता है क्या है, इससे होगा क्या कि आपको एक दफा आप क्या करेंगे, नरेट कर देंगे, तो जब उसको स्लाइड शो करेंगे तो आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और वो जैसे जैसे स्लाइड चलेगी उस पर आपने जो भी बताया होगा वो ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो रिकॉर्ड स्लाइड का टाइम क्यों करते हैं, ताकि हमें यह भी पता लगे कि भाई हमें किसी स्लाइड पर काम करने में कितना वक्त लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। ठीक है जी, तो हमारी फाइल डाउनलोड होगी, इसको ओपन करते हैं। इसको हटा देते हैं पुरानी फाइल को। देखिए लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द स्लाइड शो इफ यू हैव अ माइक्रोफोन एंड वांट टू प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग नरेशन यू कैन रीड द स्लाइड। अच्छा जी, जाते हैं इसको हम ओपन करते हैं और इनेबल एडिटिंग करते हैं। और देखिए रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे और सॉरी स्लाइड शो में आप जाएंगे और यहाँ पर देखिए रिहर्सिंग टाइमिंग का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, आ रहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं देखने के लिए ये कब होगा। ये आपको बताएगा रिहर्सिंग टाइमिंग के, भाई आपकी प्रेजेंटेशन को मुकम्मल करने में कितना वक्त लग रहा है। ठीक है, समझ आ रही है। देखिए एक साइड पे टोटल टाइम चलेगा आपकी स्लाइड का और जो पहले टाइम चल रहा है ये क्या है आपका, ये क्या है हर स्लाइड का टाइम। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर क्लिक करके क्या करते हैं दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, लेकिन साथ वाले कोड में क्या हुआ, पहले वाली टाइमिंग क्या हो रही, जीरो से स्टार्ट हुई है। फिर अगेन क्लिक करो देखो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो साथ वाली टाइमिंग है वो कंटिन्यू चलती चली जा रही है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो जितना टाइम आप एक स्लाइड पर लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वो वाला टाइम आपको ये पहले वाले जो टाइमिंग आपको बताएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई गलती कर दी, आप दोबारा से इसकी टाइमिंग को नोट करना चाह रहे हैं, बजाय आप शुरू से हर स्लाइड का टाइम रिकॉर्ड करें, आप क्या कर सकते हैं, ये एरो वाला बटन नजर आ रहा है, इस रिपीट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ उसी स्लाइड का टाइम जीरो से स्टार्ट होगा। सही है, ठीक है। जब आप थोड़ा सा दोबारा प्रिपेयर हो जाए, आपने दोबारा नोट्स देख ली, आपने देखा कि भाई मेरी ये गलती थी, आपको गलती मालूम हो गई, आप रेज्यूम भी कोई दिन करेंगे तो देखिए वही स्लाइड का टाइम दोबारा जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं, रक्षा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉज का बटन आ रहा है, क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड की हो जाएगी, तो टाइमिंग आपकी रुक जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। फिर अगर आपने रक्षा ले लिया, ब्रेक ले लिया, उसके बाद आप रेज्यूम भी कोई करेंगे तो अगेन वही से आपका टाइम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सारी प्रैक्टिस कर ली, सारी स्लाइड आपकी खत्म हो गई, आप कीबोर्ड में स्किप वाला बटन दबाएंगे तो आपसे कहेगा द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 48 सेकेंड, कि भाई आपकी स्लाइड का जो टोटल टाइम है तकरीबन 48 सेकेंड आ रहा है। डू यू वॉन्ट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग, क्या आप इस स्लाइड टाइमिंग को आप सेव करना चाह रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यस करेंगे, क्या करेंगे, यस। जैसे यस करेंगे तो हर स्लाइड के टाइम आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, नीचे देखिए आपके पास ये कुछ व्यू आ रहे हैं, स्लाइड शो आ रहा है, स्लाइड शोल्डर व्यू आ रहे हैं, सारे के सारे व्यूज आ रहे हैं। तो स्लाइड शोल्डर व्यू पर आप आएंगे तो हर स्लाइड का आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा, जितना टाइम आपने कंज्यूम किया देखिए अलग अलग आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। समझ आ गया आप तक। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, देखिए
When you are finished, जब आप खत्म करेंगे, play your slide show. The slide show should advance automatically at the pace you recorded. ठीक है? आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई जब आप खत्म करेंगे तो आप ये काम करें कि भाई अपने स्लाइड शो को आप क्या करें, ऑटोमेटिक कर दें. ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया ना रिकॉर्ड. देखिए ये कब होगा, ये नरेशन होगा आई थिंक, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से. भाई ये तो समझ आ गया ना आपको. अच्छा जी, अब देखिए इन्होंने हमारे पास टास्क क्या कहा था. हमने कहा था रिकॉर्ड द स्लाइड शो इफ यू हैव अ माइक्रोफोन एंड वांट टू प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग नरेशन यू कैन रीड द स्लाइड. ठीक है, आप क्या करें, आप इसको नरेशन के साथ करें अगर आपके पास क्या माइक्रोफोन मौजूद है. अभी हमने देखा कि रिहर्सिंग टाइमिंग्स क्या कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिहर्स टाइमिंग पे आप रिकॉर्ड करेंगे स्लाइड शो को. लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड करनी है स्लाइड तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड पर आएंगे. किस पर आएंगे, रिकॉर्ड पर आएंगे. आपने क्या करना है, कहां से रिकॉर्ड करनी है, फोन करंट रिकॉर्ड करनी है या फोन बिगनिंग करनी है. बिगनिंग का मतलब होता है शुरू से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, करंट का मतलब होता है जहां पर मौजूद है वहां से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. तो मैं क्या करता हूँ, फोन बिगनिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, सरकारी बात. अब देखिए रिकॉर्ड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप क्या करेंगे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे. देखिए टाइमिंग आपके पास आ रही है, अब देखिए ये आपकी स्लाइड क्या है, रिकॉर्ड होती चली जा रही है. अब देखिए चूंकि मेरा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये भी स्लाइड मेरे पास आ जाएगी. अब देखिए अगर आपने किसी चीज को हाईलाइट करके बताना है तो जो आप स्लाइड में बताना चाह रहे हैं वही आप बताएंगे. ठीक है, जैसे लिखा हुआ है बट आई ऑलरेडी नो हाउ टू यूज द इंटरनेट. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही. तो जैसे आप पढ़ेंगे तो जो आप बोलते जाएंगे वही उस स्लाइड के साथ रिकॉर्ड होता जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, अगर आपने किसी बात को पॉइंटर को हाईलाइट करना है तो आप क्या करें, कंट्रोल दबा के रखें और अपने क्लिक को दबाएं तो देखिए एक हाईलाइटर आपके पास यहां से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. सही, क्या करना है आपने, ये कंट्रोल वाला बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से और अपने लेफ्ट क्लिक को आपको होल्ड करके रखना है. क्या करना है, लेफ्ट क्लिक को आपने होल्ड करके जहां पर इसको लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, आपको हाईलाइट हुआ नजर आएगा. ठीक है, समझ आ रही बात. ठीक है, तो यहां से देखिए कोई भी इंक वगैरह कोई पेन आप लेकर आप यहां से देखिए कोई मेंशन भी कर सकते हैं, किसी को सर्कल भी कर सकते हैं. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही. तो डिफरेंट तरह की आपके पास क्या है यहाँ पर सेटिंग आ रही है. फिर आगे आपने जा रहे हैं, देखिए हर स्लाइड के लिए अलग अलग रिकॉर्ड हो रहा है टाइमिंग. देखिए यहाँ पर आपको ये टोटल टाइमिंग आ रही है और यहाँ पर देखिए आपकी हर स्लाइड की अलग अलग चल रही है. फिर मैं अलग करता हूँ, आगे करता हूँ, नहीं समझ आ रही है आप लोगों को. फिर आपने क्या करना है, जब आपने अगर कोई ब्रेक लेना तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉज कर देंगे. ठीक है, या देखिए यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन भी आ रहा है, फिर दोबारा रिकॉर्ड कर ले, दोबारा रिकॉर्ड पर जाएंगे वहीं से रिकॉर्ड होगा. देखिए नोट्स भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं. आप देखिए नोट्स से कोई लिखे हुए नहीं है मैंने यहाँ पर, लेकिन अगर नोट्स आपके पास लिखे हुए तो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं और नोट्स को देख के आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को बता सकते हैं या बोल सकते हैं. बात समझ आ रही ना आप लोगों को. देखिए यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन मौजूद नहीं है, होता तो यहाँ पर ही ऑप्शन देता. सही है, लेकिन जब आप माइक्रोफोन आपको मौजूद होगा तो यहाँ पर ऑप्शन देगा और उस स्लाइड पे आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपकी स्लाइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको. फिर अगर आप इसको क्या करेंगे, खत्म करें तो ये स्टॉप का बटन नजर आ रहा है आपको, आप स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ये खत्म हो जाएगा. फिर स्किप का बटन आपने दबाना है अपने कीबोर्ड से. ठीक है, फिर स्लाइड शो के व्यू पर हम जाते हैं. तो देखिए अब जिस स्लाइड को आपने नरेशन के साथ क्या किया होगा आपने बोला होगा, रिकॉर्ड किया होगा, उसमें क्या आ जाएगा बेटा, ये देखिए आपको एक छोटा सा ये स्पीकर बना हुआ आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि इस स्लाइड पर आपने क्या किया, स्पीकर का इस्तेमाल किया, यानी कि कुछ ना कुछ आपने रिकॉर्ड किया है. सही है, बात समझ आ रही है. अच्छा जी, अगर आप क्या चाहते हैं कि भाई इस स्लाइड से आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, इस स्लाइड की रिकॉर्डिंग और वॉइस को आप क्लियर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर आएंगे और क्लियर पर आएंगे. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड. आप क्या करें, स्लाइड की टाइमिंग को आप क्या कर दें, क्लियर कर दें. तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड. क्या आप नरेशन भी खत्म करना चाहते हैं स्लाइड से, अगर नरेशन खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नरेशन को क्लियर करेंगे. देखिए स्पीकर का निशान हट जाएगा, लेकिन अभी तक टाइमिंग नहीं हटी आपकी. सही है,
इसी तरह से अगर आप टाइम को हटाना चाहते हैं तो क्लियर पर आकर आपने क्या करना है, क्लियर टाइमिंग और क्लियर स्लाइड, तो देखिए टाइमिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। सही से तो आगे देखिए आपसे क्या करें, आखिरी ऑप्शन कह रहे हैं वेन यू आर फिनिश, जब आप खत्म करेंगे प्ले योर स्लाइड शो, अपने स्लाइड शो को आप प्ले करें, दीज स्लाइड्स शुड एडवांस ऑटोमेटिकली एट द पोस्ट यू रिकॉर्डेड देम, तो ये जो स्लाइड होगी उसी वक्त के लिहाज से चलेगी जिस वक्त के लिहाज से आपने मतलब क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जाते देखिए इस स्लाइड में कितना वक्त लगा, 1 मिनट 7 सेकंड लगे, मैं काम करता हूँ इससे मैं क्लियर कर देता हूँ, यहां पर मैं गया और मैंने क्लियर टाइमिंग भी कर दी मैंने, और यहां से मैं क्या करता हूँ नरेशन भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, समझा की बात, काम करते हैं इसको स्लाइड शो करके देखते हैं, फिर आगे आपने जा रहे हैं। देखिए हर स्लाइड के लिए अलग टोटल टाइमिंग आ रही है, और यहाँ पर देखिए आपकी हर स्लाइड की अलग अलग चल रही है, अलग करता हूँ आगे करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर तो बहरहाल तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड को अपनी प्रेजेंटेशन को भाई रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कि जैसे आप क्या करें फिर आपको जब प्रेजेंट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आपने प्ले कर देना है। ठीक है, आपकी जगह कोई दूसरा बंदा भी होगा वो भी अपनी स्लाइड को आपकी स्लाइड को लगा के प्रेजेंटेशन को छोड़ देगा, तो आप क्या करेंगे आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही, या आप क्या कर सकते हैं एक स्लाइड पूरी बनाकर स्लाइड शो नरेशन के साथ रिकॉर्ड करके आप किसी को दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कि भाई मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बना ली, आप जैसे इसको सुन लें। सही है, तो ये एक ऑप्शन था आपके पास क्या करने का, स्लाइड को आवाज के साथ रिकॉर्ड करने का और अलग से रिकॉर्ड करने का। सही है, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, रिवाइज टाइमिंग पे जाएंगे। ठीक है, किस स्लाइड पे कितना टाइम लग रहा है हमारा, तो असाइनमेंट नंबर कितना होता है हमारा, 31 भी हो गया। अब असाइनमेंट नंबर 32 पे जाते हैं भाई, 32 आखिरी असाइनमेंट है। अच्छा जी, 32 पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको नए टैब में ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए आपसे कह रहे हैं प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लें, भाई ओपन कर लें 32 असाइनमेंट नंबर 32, इसको हम डाउनलोड करते हैं। अब इसको ओपन कर लो, अगर देखिए भाई आपसे क्या कह रहे हैं, इसको इनेबल एडिटिंग करेंगे, इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपसे कह रहे हैं कि भाई इस पर काम करें, इस पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट द प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो एंड सेव इट टू योर कंप्यूटर, अपनी प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन को आप एक काम करें वीडियो में एक्सपोर्ट करें। तो एक्सपोर्ट करने के बाद आपको तरीकेकार बता दिया था, क्या करेंगे आप फाइल पे आएंगे और यहाँ पर आपके पास क्या एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाएंगे और क्रिएट अ वीडियो पे जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले आपने पिक्सल चूज कर ले कि कौन सी क्वालिटी में आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अगर 70 HD में चाहिए, फुल HD में चाहिए, 4K रेजोल्यूशन चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड 480 पिक्सल रख रहा हूँ, और फिर नीचे आपसे कह रहे हैं कि भाई एक स्लाइड में कितना टाइम आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, मैंने कहा 5 सेकंड लगा दो, आप बढ़ा भी सकते हैं, या फिर नीचे आपसे कह रहे हैं यूज दैट टाइमिंग एंड नरेशन। आप एक काम करें, आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी स्लाइड पे टाइमिंग और नरेशन लगा हुआ है, अगर आप उसी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमने किया था कि भाई पहली स्लाइड तो 10 सेकंड लगाए हुए थे, दूसरी पर 15 सेकंड लगाए हुए थे, अगर आप उसी को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग एंड नरेशन पे आप क्लिक कर ले। सही है, तो फिर उसके बाद क्या करें आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर दे। फिर आपसे पूछेगा आपकी कंप्यूटर में कहां पर सेव करूं, तो अपने कंप्यूटर की कोई भी आप लोकेशन देकर आप क्या करें इसको कोई भी नाम दे दें, जैसे फाइनल वीडियो प्रेजेंटेशन का मैंने नाम दे दिया, उसको मैं सेव कर लूंगा। उसके बाद देखिए नीचे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक फील्ड आगे बढ़ती हुई जाएगी देखिए। ठीक है, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें आपकी आपकी प्रेजेंटेशन आपकी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी।
है तो आगे आपसे क्या कह रहे हैं, इफ यू हैव अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर विद एन इंटरनेट कनेक्शन ट्राई टू प्रेजेंट द स्लाइड शो ऑनलाइन। अगर आपके पास आपका फैमिली और या तो कोई दोस्त है उसके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है तो आप क्या करें, अपनी स्लाइड को ऑनलाइन प्रेजेंट कर ले। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रेजेंट करने का मैंने वही आपसे तरीकेकार कहा था, आपने क्या करना है फाइल पर जाना है और यहाँ पर आपके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है ना, शेयर पे आपने क्लिक करना है और प्रेजेंट ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिये ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, अभी फिलहाल यहाँ पर एक्टिव नहीं है, लेकिन जब ये एक्टिव होता है तो आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर यहाँ से आपने प्रेजेंट ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास एक लिंक आएगा, क्या आएगा, एक लिंक आएगा, आप उस लिंक को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो जैसे आपके दोस्त क्या करेंगे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आप अपने पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड जो भी काम करेंगे वही काम उनको वहां पर नजर आएगा, बस वही चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे असाइनमेंट्स क्या हो गए यहाँ पर खत्म हो गए, आपने क्या करना है इनको सबमिट करवाना है।